नमस्कार दोस्तों, गीता अध्याय 2 श्लोका 29 से आरंभ करेंगे। 29 और 30 थोड़े बड़े श्लोक हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मारस्य वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचेन मन्ये श्रुणति श्रुत्वापेन वेदम न चैव कश्चित। कोई शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात वह दुर्विज्ञ है। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है, तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने और पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे इस देही को जानना नहीं होता। कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंतता यह करके जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती हैं, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, पर यह इसका तो स्वयं से अपने आप से ही आप जाना जाता है, अपने आप से तो जानना होता है। वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बड़ा विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहां पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहां नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वहां दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखने वाली वस्तु और दर्शन देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही संसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होने पन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदंता से, अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को, अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं, तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे, तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है, अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर है। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रतितु बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलता रहता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत् पश्यति कहा गया। यह भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित। और आगे 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे तत्व को जानता है। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बहुत कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं, दुर्लभ नहीं, प्रतीत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की, इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है,
क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्रन्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहां जो ये अन्य पद आया है इसका उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य है कि यह जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते, उसकी शंकाओं का तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए यह अन्य पद दिया गया। दूसरा, कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है, कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सबका सब इंद्रियां मन बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहां अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। इसको सुन करके कोई भी नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब स्वयं वह स्वयं में स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता ऐसा क्यों कहा गया। इस विषय पर अगर थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, अर्थात सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्वज्ञान को असंभव बताने में नहीं प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से ही अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है, एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है, उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। परिशिष्ट भाव, शरीर को सुनने मात्र से, शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुष से सुनकर जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है।
ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, प्रत्युत सुनने के बाद स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरे को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल ज्ञान भी हो सकता है। संबंध। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चला आ रहा था उसका आगे के श्लोक में वो उपसंहार करते हैं, श्लोका 30, क्योंकि श्लोका 29 काफी बड़ा है, तो अभी हम यहीं पे इसको विराम देंगे और श्लोका 30 अगले पाठ में इसको पढ़ेंगे।